नमस्कार। तो आज आप हम टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा टेली सर्विसेज की बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। रिसेंटली देखा जाए तो TTML स्टॉक तो देख सकते, हमने पहले भी कहा था कि स्टॉक से थोड़ा सा दूर होगी तो अच्छी बात होगी स्टॉक में निवेश करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल के साथ टेक्निकली देखा जाए स्टॉक की बात तो काफ़ी वीक है। फ्राइडे के दिन भी 1 पॉइंट की गिरावट हो चुकी थी, उसी तरह यहाँ पे तकरीबन 2% तक गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि काफ़ी वीक मोमेंटम यहाँ पे नज़र आ रहे। स्टॉक का मार्केट कैप भी काफी गिरावट हो चुके, 10,000 करोड़ के करीबन मार्केट कैप जाता हुआ नजर आया है। लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो स्टॉक बीच में यहाँ पे बाउंस बैक हो चुका था, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते कि फिर से गिरावट देखने को मिले, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, फिर से स्टॉक यहाँ पे वीक नज़र आ चुका है। और रिसेंटली 55 to 52 लेवल जो है यहाँ पे आप देख सकते कि वो लेवल ब्रेक होते हैं नीचे के साइड, तो स्टॉक में और गिरावट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वैसे भी चार्ट के ऊपर भी नज़र डालोगे तो स्टॉक काफ़ी वीक न मोमेंटम के साथ नीचे जा रहा है। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले पिछले 2 महीनों से 2-3 महीनों से, टोटली डाउन ट्रेंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। और रिसेंटली ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम बनाया था इस लेवल पे, और ये लेवल ब्रेक होती है 52 की तो और स्टॉक नीचे की तरफ जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं, क्योंकि ये लेवल सपोर्टिव एरिया है, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है 52 के करीबन। तो देख सकते कि नीचे आता है तो ये लेवल पर सपोर्ट लेता है तो बाउंस बैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे TTML के लिए।